दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास की खोज करते हुए हम आज ऐसी एक जगह पर पहुंच गई है जिसका इतिहास इतना भयानक है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये है दिल्ली का खूनी दरवाजा, जो मुगल वंश के समय से दिल दहला देने वाली सैकड़ों भयानक घटनाओं का मूक गवाह है। दिल्ली में दिल्ली गेट के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित ये खूनी दरवाजा के पास से हर दिन हजारों हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग इस किले के खूनी इतिहास से अनजान हैं। एक छोटे से किले जैसा दिखने वाला ये दरवाजा भारत के मध्यकालीन इतिहास की सैकड़ों दुखद और खूनी घटनाओं को अपने अंदर छुपाए हुए है। इस दरवाजा के नीचे कई निर्दोष लोगों का खून बहाया गया है। मुगल काल के दौरान यहीं पर ज्यादातर अपराधियों को मौत की सजा दी जाती थी। मारे गए अपराधियों की लाशों को आमतौर पर इस किले के सामने लटका दिया जाता था। सड़ती हुई लाशों को किले की दीवार पर तब तक अनाथ छोड़ जाता था जब तक उन्हें गिद्धों और अन्य पक्षी खा नहीं जाते हैं। ये वो जगह है जहां 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटों और पोते को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद इस गेट का नाम खूनी दरवाजा पड़ गया था। पुरानी पीढ़ी अभी भी मानती है कि यहां गिरने वाली बारिश की बूंदें लाल होती हैं, खून का रंग। जब बारिश होती है तो यहां जो गंध फैलती है वो ताजी मिट्टी की गंध नहीं बल्कि खून की गंध होती है। कई लोगों का मानना है कि यहां अलौकिक शक्तियां और आत्माएं घूमती हैं। इन सभी बातों को हम अंधविश्वास मानकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन यहां कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती हैं, जिनकी पुष्टि कई लोग करते हैं जिन्हें नकारा भी नहीं जा सकता। खूनी दरवाजे की कहानी को समझने के लिए इतिहास में वापस जाना होगा। आइए इतिहास के गलियारों से गुजरते हुए हम सदियों पीछे चलते हैं। इसका निर्माण सूरी साम्राज्य का सुल्तान शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसने 1540 से 45 तक दिल्ली पर शासन किया था। उस समय इसे लाल दरवाजा और काबुली दरवाजा के नाम से जाना जाता था। उन दिनों में अफगानिस्तान के काबुल से दिल्ली आने वाले व्यापारी इसी किले के द्वार से शहर में प्रवेश करते थे। खूनी दरवाजा का इतिहास मुगल बादशाहों के इतिहास से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर हुई पहली खूनी घटना का संबंध सबसे क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब से जुड़ा है। मुगल काल के दौरान जब भी किसी शासक की मृत्यु होती थी तो उसके पुत्रों के बीच राजगद्दी के लिए युद्ध होने लगते थे। मुगलों के शासनकाल में सत्ता के लिए भाइयों के बीच धोखे और हत्याओं के कई उदाहरण मिलते हैं। मुगल बादशाहों की सत्ता की भूख और क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण औरंगजेब की कहानी है। उसने क्रूरता की सारी हदें तोड़ दी थी। सत्ता के लिए अपने पिता को जेल में डलवा दिया, अपने सगे भाई की हत्या करवा दी। औरंगजेब हिंदुस्तान के तख्त पर अपने सगे संबंधियों के खून को बहाकर बैठा था। उसने अपने बुजुर्ग पिता शाहजहां को उनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों तक आगरा के किले में कैदी बनाकर रखा। इतिहास हमें बताता है कि औरंगजेब मुगल वंश का सम्राट कैसे बना। ये घटना 1658 में घटी थी, जब दिल्ली की गद्दी हासिल करने के लिए औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को युद्ध में हराया और उसके आत्मसमर्पण के बाद औरंगजेब सैनिकों को दारा शिकोह का सिर काटकर उनके सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि ये वास्तव में उसके बड़े भाई का ही सिर है। फिर उसने अपनी तलवार से 3 बार सिर को क्षत विक्षत कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह का कटा हुआ सिर इसी खूनी दरवाजे पर लटका दिया। भाई की हत्या करने के बाद औरंगजेब मुगल साम्राज्य का शासक बन गया। इतिहासकारों के अनुसार इसके बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह के कटे हुए सिर को एक बक्से में रखकर आगरा किले में कैद उसके बूढ़े पिता शाहजहां के सामने पेश करने का आदेश दिया। दारा शिकोह को इतनी बेरहमी से मारने के बाद उनके अवशेषों को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में एक अज्ञात कब्र में दफना दिया। मुगल शासन के दौरान इस खूनी दरवाजे को अपने सामने ही 3 मुगल राजकुमारों की क्रूर हत्या का गवाह बनने का दुर्भाग्य मिला था। ये भयानक घटना बहादुर शाह जफर के जीवन काल के दौरान घटी थी, जो भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बहादुर शाह जफर के शासन काल में हुआ था। बहादुर शाह जफर को एहसास हुआ कि वो अंग्रेजों की युद्ध रणनीति के सामने बुरी तरह विफल हो रहे हैं।
उन्होंने ब्रिटिश सेना से बचने के लिए अपने शाही परिवार के साथ हुमायूं के मकबरे में भाग गए। ब्रिटिश सैनिक कर्नल विलियम हॉडसन ने हुमायूं के मकबरे में छिपे बहादुर शाह जफर को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। इसके अगले दिन बहादुर शाह जफर के दो बेटे मिर्जा मुगल और खिस सुल्तान और उनके पोते अबू बकर को अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया और उन्हें बैलगाड़ियों में लादकर मुकदमे के लिए लाल किला ले जा रहा था। इस खबर की जानकारी होने पर सैकड़ों स्थानीय लोग सड़क के दोनों ओर इकट्ठा हो गए। ये देखकर हॉडसन हैरान रह गया और उन्हें खतरा महसूस हुआ। लाल किले के रास्ते में जैसे ही वे इस खूनी दरवाजा के सामने पहुंचे, हॉडसन ने तीनों शहजादों को बैलगाड़ी से नीचे उतरने को कहा। फिर हॉडसन अपने घोड़े से उतरे और अपनी सर्विस रिवॉल्वर हाथ में ले ली। उसने राजकुमारों पर रिवॉल्वर तान दी और एक एक कर तीनों राजकुमारों को गोली मार दी। उन सब की वही मौत हो गई। उनके शवों को चांदनी चौक में कोतवाली के सामने के चबूतरे पर फेंक दिया गया और वहीं पर तीन दिनों तक पड़े रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को जब ये जगह सुनसान हो जाता है तो आज भी यहाँ तीनों राजकुमारों की चीखें गूंजती हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि उनकी आत्मा इधर उधर भटक रही है। अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर शाह जफर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उन्हें लाल किला ले गए और वही कैद कर लिया। बहादुर शाह जफर के जीवन में यह एक अजीब दुर्भाग्य था कि वह अपने ही महल में कैदी बन गए। असहाय और बुजुर्ग बादशाह को कैद के दौरान अनगिनत अत्याचारों का सामना करना पड़ा। मुकदमा के अंत में बहादुर शाह जफर को सजा के तौर पर दिल्ली से बर्मा के रंगून में भेजकर वहां कैद कर लिया गया। एक कवि और सूफी जफर का अंत बहुत कठिन और दर्दनाक था। अपने एकांत कारावास के अंतिम दिनों के दौरान उसने अपनी जेल की दीवारों पर एक कोयले के टुकड़े से अपने सारे दर्द और अकेलेपन के बारे में ऐसे लिखा, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए दो गज जमीन भी ना मिली। 7 नवंबर 1862 शुक्रवार के दिन सुबह 5 बजे 87 साल की उम्र में बर्मा की एक एकांत जेल के अंदर भारत के अंतिम मुगल सम्राट ने अपनी आखिरी सांस ली। जनता के आक्रोश के डर से अंग्रेजों ने शाह की मृत्यु की खबर का खुलासा नहीं किया। उनके शव को कहीं गुप्त रूप से दफना दिया। 20 अप्रैल 1526 में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य की इतिहास 3.5 शताब्दी बाद बहादुर शाह जफर के साथ समाप्त हुई। सम्राट बहादुर शाह जफर के कई वंशज आज दिल्ली और कलकत्ता जैसे शहरों की गंदी बस्तियों में दयनीय परिस्थितियों में अज्ञात जीवन जी रहे हैं। यह नियति की विडंबना ही तो है। आइए खूनी दरवाजा के इतिहास पर वापस लौटते हैं। न केवल मुगल शासन के दौरान बल्कि देश को आजादी मिलने के बाद भी खूनी दरवाजा एक और भीषण नरसंहार का गवाह बना। भारत के विभाजन के समय सैकड़ों शरणार्थी सांप्रदायिक हिंसा से बचने के लिए पुराना किला की ओर भाग रहे थे। पुराना किला की ओर पलायन करने वाले शरणार्थियों को इस खूनी दरवाजा के सामने बेरहमी से मार डाला गया था। 2002 में इस जगह पर एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। पास के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा को कुछ असामाजिक तत्वों ने किले के अंदर घसीटा और बेरहमी से बलात्कार किया। इस घटना के बाद खूनी दरवाजा के अंदर आम जनता के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के समय से यहाँ एक के बाद एक दुखद और भयानक घटनाएं घटित हो रही हैं। असंख्य नरसंहारों का एक मूक गवाह बनकर रह जाना इस खूनी दरवाजे का एक दुर्भाग्यपूर्ण नियति हो सकती है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। जल्द ही एक और वीडियो के साथ वापस आऊंगा।